हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। लास्ट टाइम हमने विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। जितना भी चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से ये बात तो सिद्ध हो गई है कि विद्युत धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में सक्षम होती है। व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसी भी तरह की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। वे एक बुक बाइंडर के पास काम करते थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी धीरे धीरे विज्ञान में बढ़ती गई क्योंकि कवर लगाने के लिए बुक बाइंडर के पास जो भी बुक्स आती थी तो वो विज्ञान की बुक्स को पढ़ लेते थे। माइकल फैराडे ने हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड द्वारा किए गए प्रयोग को बहुत ज्यादा गहराई से सोचा और कई वर्षों तक इस पर कार्य करते रहे। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सके। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए माइकल फैराडे ने बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों में से एक प्रयोग यह था। उन्होंने तार की एक कुंडली यानी कॉइल ली और उसके बोथ एंड्स को ज्वाइन कर दिया एक गैल्वेनोमीटर से। उन्होंने यहाँ पर किसी भी प्रकार की बैटरी, सेल या कोई और पावर सोर्स नहीं लिया। आप एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में पहले से जानते हैं कि एमीटर विद्युत धारा को मापता है और वोल्टमीटर विद्युत विभांतर को मापता है। जो ये गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है, ये देखने में ऑलमोस्ट एमीटर वोल्टमीटर जैसा ही होता है, लेकिन ये केवल किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। यह केवल किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का ससुंचन करता है। गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग्स वाला मीटर लगा होता है उसके बिल्कुल सेंटर में जीरो होता है। गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो हमेशा उस जीरो को इंडिकेट करती रहती है। अगर गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, नीडल है, उसमें लेफ्ट या राइट पे कोई डिफ्लेक्शन होता है तो हम यह मान लेते हैं कि उस कंडक्टर में कोई विद्युत धारा बह रही है। याद रखिए कि ये विद्युत धारा का मान नहीं बता सकता, यह केवल विद्युत धारा को ससुंचित कर सकता है। इट कैन ओनली डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। माइकल फैराडे ने इसी कॉइल के पास एक बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक को रख दिया। उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर की सुई में किसी प्रकार का कोई भी विक्षेप नहीं हुआ। एक स्टेशनरी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेशनरी होती है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं अब कुछ और ट्राई करके देखता हूं, तो उन्होंने एक बार मैग्नेट को उस कॉइल के पास लेके आए। वो जैसे ही वो उसको पास लेके आए, उन्होंने गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन देखी। मतलब क्या हुआ कि जब मैग्नेट स्टेशनरी था, मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेशनरी थी, लेकिन जब हमने मैग्नेट को मूव किया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी मूव हुई। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब मैग्नेटिक फील्ड मोशन में होती है तब वो किसी कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस करती है। माइकल फैराडे ने नोट किया कि अगर मैं किसी छड़ चुंबक का नॉर्थ पोल कॉइल के पास ले जाता हूं तो मान लीजिए डिफ्लेक्शन राइट में हुई, और जब मैं उसको उसी पोजीशन से वापस लेके आता हूं तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में हो रही है। माइकल फैराडे ने उस छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट को उस कॉइल के बिल्कुल सेंटर पर भी रख के देखा तो उस समय भी वहां पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अब माइकल फैराडे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड कोई करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, लेकिन अगर एक मूविंग यानी मोशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने की
कैपेबिलिटी होती है। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जब बार मैग्नेट रेस्ट पर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होता, बट एज द मैग्नेट मूव्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल। पहले के विपरीत अब हम साउथ पोल को कॉइल के पास लाते हैं, तो इस बार जब हम मैग्नेट के साउथ पोल को कॉइल के पास ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन पहले लेफ्ट में होता है, और जब हम उस चुंबक को वापस ला रहे हैं मतलब साउथ पोल को दूर लेके आ रहे हैं तो डिफ्लेक्शन राइट पर होता है। जब कुंडली तथा चुंबक दोनों स्थिर होते हैं तब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता, अतः इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट है कि कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक प्रेरित विभांतर उत्पन्न करती है जिसके कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। When the coil and the magnet are both stationary, there is no deflection in the galvanometer. It is thus clear from this activity that the motion of a magnet with respect to the coil produces an induced potential difference, which sets up an induced electric current in the circuit. अभी हमने जो क्रियाकलाप किया, अब हम इसी क्रियाकलाप में थोड़े से चेंजेस करके इसे दोबारा करेंगे। हम मूवेबल मैग्नेट यानी गतिमान चुंबक के स्थान पर अब एक विद्युत धारावाही कुंडली यानी करंट कैरिंग कॉइल को लेंगे। तांबे के तार के दो भिन्न कुंडलियां लीजिए जिनमें फेरों की संख्या काफी अधिक जैसे क्रमशः 50 तथा 100 फेरे हो। इन कुंडलियों को चित्र में दर्शाए अनुसार किसी विद्युत रोधी खोखले बेलन पर चढ़ाइए। कुंडली एक को जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है श्रेणी क्रम में बैटरी तथा प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। अन्य कुंडली दो को भी चित्र में दर्शाए अनुसार गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। कुंजी में प्लग को लगाइए, गैल्वेनोमीटर का परीक्षण कीजिए। टेक टू डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स से 50 एंड 100 टर्न्स रिस्पेक्टिवली। इंसर्ट देम ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल as shown in figure. Connect the coil 1 having larger number of turns in series with a battery and a plug key. Also connect the other coil 2 with a galvanometer. Plug in the key. Observe the galvanometer. हम पाते हैं कि गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत ही एक दिशा में तीव्र गति से विक्षेपित होकर उसी गति से शीघ्र वापस शून्य पर आ जाती है। यह कुंडली दो में क्षणिक विद्युत धारा का उत्पन्न होना सूचित करता है। We observe that the needle of the galvanometer instantly jumps to one side and just as quickly returns to zero, indicating a momentary current in coil 2. अब बैटरी से कुंडली एक को वियोजित कीजिए। हम यह पाएंगे कि ऐसा करने पर कुंडली दो में एक क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु इसकी दिशा पहले से विपरीत होती है। Disconnect coil 1 from the battery. We observe that the needle momentarily moves but to the opposite side. It means that now the current flow is in the opposite direction in coil 2. इस क्रियाकलाप से हमने यह परीक्षण किया कि जैसे ही कुंडली 1 में विद्युत धारा स्थायी होती है, कुंडली 2 से संयोजित गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप नहीं दर्शाता। From this activity, we observe that as soon as the current in coil 1 reaches either a steady value or zero, the galvanometer in coil 2 shows no deflection. इन परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जब भी coil 1 में इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट या एंड होता है, तो coil 2 में पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, मतलब विद्युत विभांतर प्रेरित होता है। कॉइल 1 को प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी कॉइल कहते हैं और कॉइल 2 को द्वितीयक कुंडली यानी सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। जैसे ही प्रथम कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार द्वितीयक कुंडली के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित हो जाती है, अतः द्वितीयक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन ही उसमें प्रेरित विद्युत धारा
उत्पन्न होने का कारण होता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। As the current in the first coil changes, the magnetic field associated with it also changes. Thus, the magnetic field lines around the secondary coil also change. Hence, the change in the magnetic field lines associated with the secondary coil is the cause of induced electric current in it. This process, by which a changing magnetic field in a conductor induces a current in another conductor, is called electromagnetic induction. We can induce current in a coil in two ways, either by moving it in a magnetic field or by changing the magnetic field around it. But it is more convenient in most situations to move the coil in a magnetic field. हम किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को या तो उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर अथवा उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके उत्पन्न कर सकते हैं। अधिकांश परिस्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न कराना अधिक सुविधाजनक होता है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक सरल नियम का उपयोग कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ को तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। इस सरल नियम को फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। The induced current is found to be the highest when the direction of motion of the coil is at right angles to the magnetic field. In this situation, we can use a simple rule to know the direction of the induced current. Stretch the thumb, forefinger and the middle finger of right hand so that they are perpendicular to each other. If the forefinger indicates the direction of the magnetic field and the thumb shows the direction of motion of conductor, then the middle finger will show the direction of induced current. This simple rule is called Fleming's right hand rule. बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक की एक एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद्युत जनित्र के बारे में सीखेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन। Have a nice day.